Episode 8. अल्लाह की इताअत की चंद मिसाल। तर्क शराब। आपने सुना होगा कि अरब में शराबखोरी का कितना जोर था। औरत और मर्द, जवान और बूढ़े शराब के मतवाले थे। उनको दरअसल इस चीज से इश्क था, उसकी तारीफों के गीत गाते और उस पर जान देते थे। यह भी आपको मालूम होगा कि शराब की लत लग जाने के बाद उसका छूटना कितना मुश्किल होता है। आदमी जान देना कबूल कर लेता है, मगर शराब छोड़ना कबूल नहीं कर सकता। अगर शराबी को शराब ना मिले तो उसकी कैफियत बीमार से बदतर हो जाती है। लेकिन आपने कभी सुना है कि जब कुरान शरीफ में इसकी हुर्मत का हुक्म आया तो क्या हुआ? वही अरब जो शराब पर जान देते थे, इस हुक्म को सुनते ही उन्होंने अपने हाथ से शराब के मटके तोड़ डाले। मदीने की गलियों में शराब इस तरह बह रही थी जैसे बारिश का पानी बहता है। एक मजलिस में कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। जिस वक्त उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी की आवाज सुनी कि शराब हराम कर दी गई, तो जिस शख्स का हाथ जहां था वहीं का वहीं रह गया। जिसके मुंह से प्याला लगा हुआ था उसने फौरन उसको हटा लिया और फिर एक खतरा हलक में न जाने दिया। यह है ईमान की शान, इसको कहते हैं खुदा और रसूल की इताअत। इकरारे जुर्म। आपको मालूम है कि इस्लाम में जिना की सजा कैसी सख्त रखी गई है। नंगी पीठ पर 100 कोड़े, जिनका ख्याल करने से आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। और अगर शादीशुदा आदमी हो तो उसके लिए संसारी की सजा है, यानी उसको पत्थरों से इतना मारना कि वो मर जाए। ऐसी सख्त सजा का नाम ही सुनकर आदमी कांप उठता है। मगर आपने यह भी सुना कि जिनके दिल में ईमान था उनकी क्या कैफियत थी? एक शख्स से जिना का फेल सरजद हो गया, कोई गवाह ना था, कोई अदालत तक पकड़कर ले जाने वाला ना था, कोई पुलिस को इत्तला देने वाला ना था, सिर्फ दिल में ईमान था। जिसने इस शख्स से कहा कि जब तूने खुदा के अहकाम के खिलाफ अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी की है तो अब जो सजा खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की है उसको भुगतने के लिए तैयार हो जा। चुनांचे वो शख्स खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह, मैंने जिना की है, मुझे सजा दीजिए। आप मुंह फेर लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ आकर यही कहता है कि आप फिर मुंह फेर लेते हैं तो फिर सामने आकर सजा की दरख्वास्त करता है कि जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा मुझे दे दीजिए। यह है ईमान। जिसके दिल में ईमान मौजूद है उसके लिए नंगी पीठ पर 100 कोड़े खाना बल्कि संसार तक कर दिया जाना आसान है, मगर नाफरमान बनकर खुदा के सामने हाजिर होना मुश्किल। कतई अलायक। आपको यह भी मालूम है कि इंसान के लिए दुनिया में अपने रिश्तेदारों से बढ़कर कोई अजीज नहीं होता, खुसूसन बाप, भाई, बेटे तो इतने प्यारे होते हैं कि उन पर से सब कुछ कुर्बान कर देना आदमी गवारा कर लेता है। मगर आप जरा बदर और उहद की लड़ाइयों पर गौर कीजिए कि उनमें कौन किसके खिलाफ लड़ने गया था। बाप मुसलमानों की फौज में है तो बेटा काफिरों की फौज में, या बेटा इस तरफ है तो बाप उस तरफ, एक भाई इधर है तो दूसरा भाई उधर, करीब से करीब रिश्तेदार एक दूसरे के मुकाबले में आए हैं और इस तरह लड़े हैं कि गोया ये एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। और ये जोश उनमें कुछ रुपये, पैसे या जमीन के लिए नहीं भड़का था, ना कोई जाती अदावत थी, बल्कि सिर्फ इस वजह से वो अपने खून और अपने गोश्तपोश के खिलाफ लड़ गए कि वो खुदा और रसूल पर बाप और बेटे और भाई और सारे खानदान को कुर्बान कर देने की ताकत रखते थे। पुराने रस्म और रिवाज से तौबा। आपको यह भी मालूम है कि अरब में जितने पुराने रस्म और रिवाज थे इस्लाम ने करीब करीब उन सभी को तोड़ डाला था। सबसे बड़ी चीज तो बुत परस्ती थी, जिसका रिवाज सैकड़ों बरस से चला आ रहा था। इस्लाम ने कहा कि इन बुतों को छोड़ दो,
शराब, जिना, जुआ, चोरी और रहजनी अरब में आम तौर पर राज थी। इस्लाम ने कहा कि इन सबको तक कर दो। औरतें अरब में खुली फिरती थीं। इस्लाम ने हुक्म दिया कि पर्दा करो। औरतों को विरासत में कोई हिस्सा न दिया जाता था। इस्लाम ने कहा कि उनको भी विरासत में हिस्सा है। मुतवन्ना को वही हैसियत दी जाती थी जो सुलबी औलाद को होती है। इस्लाम ने कहा कि वह सुलबी औलाद की तरह नहीं है, बल्कि मुतवन्ना अगर अपनी बीवी को छोड़ दे तो उससे निकाह किया जा सकता है। कर्ज कौन सी पुरानी रस्म ऐसी थी जिसको तोड़ने का इस्लाम ने हुक्म न दिया? मगर आपको मालूम है कि जो लोग खुदा और रसूल पर ईमान लाए थे उनका क्या तर्ज अमल था। सदियों से जिन बुतों को वो और उनके बाप दादा सजदा करते और नजरें चढ़ाया करते थे, उनको इन ईमानदारों ने अपने हाथ से तोड़ा। सैकड़ों बरस से जो खानदानी रस्में चली आ रही थीं, उन सबको उन्होंने मिटाकर रख दिया। जिन चीजों को मुकद्दस समझते थे, खुदा का हुक्म पाकर उन्हें पांव तले रौंद डाला। जिन चीजों को मकरूह समझते थे, खुदा का हुक्म आते ही उनको जायज समझने लगे। जो चीजें सदियों से पाक समझी जाती थीं, वो एकदम नापाक हो गईं, और जो सदियों से नापाक ख्याल की जाती थीं, वो यकायक पाक हो गईं। कुफ्र के जिन तरीकों में लज्जत और फायदे के सामान थे, खुदा का हुक्म पाते ही उनको छोड़ दिया गया। और इस्लाम के जिन अहकाम की पाबंदी इंसान पर शाख गुजरती है, उन सबको खुशी खुशी कबूल कर दिया गया। इसका नाम है ईमान, और इसको कहते हैं इस्लाम। अगर अरब के लोग उस वक्त कहते कि फलां बात को हम इसलिए नहीं मानते कि हमारा इसमें नुकसान है, और फलां बात को हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इसमें हमारा फायदा है, और फलां काम को तो हम जरूर करेंगे क्योंकि बाप दादा से यही होता चला आया है, और फलां बातें रूमियों की हमें पसंद हैं, फलां ईरानियों की हमको मरगूब हैं। गर्ज अगर अरब के लोग इसी तरह इस्लाम की एक एक बात को रद्द कर देते तो आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया में कोई मुसलमान ना होता। खुदा की खुशनूदी का रास्ता। भाइयों, कुरान में इरशाद हुआ कि लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी नेकी का मर्तबा तुमको नहीं मिल सकता जब तक कि वो सब चीजें खुदा के लिए कुर्बान न कर दो जो तुमको अजीज हैं। बस यही आयत इस्लाम और ईमान की जान है। इस्लाम की असल शान यही है कि जो चीजें तुमको अजीज हैं उनको खुदा की खातिर कुर्बान कर दो। जिंदगी के सारे मामलात में तुम देखते हो कि खुदा का हुक्म एक तरफ बुलाता है और नफ्स की ख्वाहिशात दूसरी तरफ बुलाती हैं। खुदा एक काम का हुक्म देता है, नफ्स कहता है कि इसमें तो तकलीफ है या नुकसान। खुदा एक बात से मना करता है, नफ्स कहता है कि यह तो बड़ी मजेदार चीज है या बड़े फायदे की चीज है। एक तरफ खुदा की खुशनुदी होती है, दूसरी तरफ एक दुनिया की दुनिया खड़ी होती है। गर्ज जिंदगी में हर हर कदम पर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता इस्लाम का है और दूसरा कुफ्र निफाक का। जिसने दुनिया की हर चीज को ठुकराकर खुदा के हुक्म के आगे सर झुका दिया, उसने इस्लाम का रास्ता इख्तियार किया, और जिसने खुदा के हुक्म को छोड़कर अपने दिल की या दुनिया की खुशी पूरी की, उसने कुफ्र या निफाक का रास्ता इख्तियार किया। आज का मुसलमान, आज लोगों का हाल यह है कि इस्लाम की जो बात आसान है उसे तो बड़ी खुशी के साथ कबूल करते हैं, मगर जहां कुफ्र और इस्लाम का असली मुकाबला होता है वहीं से रुख बदल देते हैं। बड़े बड़े मुद्दई इस्लाम लोगों में भी यह कमजोरी मौजूद है। वो इस्लाम इस्लाम बहुत पुकारेंगे, उसकी तारीफ करते करते उनकी जुबान खुश्क हो जाएगी, उसके लिए कुछ नुमाइशी काम भी कर देंगे, मगर उनसे कहिए कि यह इस्लाम जिसकी आप इस कदर तारीफें फरमा रहे हैं, आइए जरा उसके कानून को हम आप खुद अपने ऊपर जारी करें, तो फौरन कहेंगे कि इसमें फला मुश्किल है और फला दिक्कत है, और फिलहाल तो इसको बस रहने ही दीजिए। मतलब यह है कि इस्लाम एक खूबसूरत खिलौना है, इसको बस ताक पर रखिए और दूर से बैठकर उसकी तारीफें किए जाइए, मगर उसे खुद अपनी जात पर और अपने घर वालों पर और अजीजों पर और अपने कारोबार और मामलात पर एक कानून की हैसियत से जारी करने का नाम तक न लीजिए। यह हमारे आजकल के दीनदारों का हाल है। अब दुनियादारों का तो जिक्र ही फजूल है। इसी का नतीजा है कि ना अब नमाजों में वो असर है जो कभी था, न रोजों में है, न कुरान खानी में है, न शरीयत की जाहिरी पाबंदियों में। इसलिए कि जब रूह ही मौजूद नहीं तो निरा बेजान जिस्म
क्या करामत दिखाएगा। वाखिरु दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।